हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। कैसे हो आप सब लोग? देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने फ्लक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, और हमारा लास्ट लर्निंग सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट था यार। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लो, क्योंकि उसमें मेन कॉन्सेप्ट मैंने फ्लक्स निकालने का समझा दिया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज हम, और उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ हम पढ़ेंगे, जो कि हर साल जेई में, बोर्ड्स में, हर जगह पूछा जाता है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। तो देखो, एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं, जो हमने कल या लास्ट लर्निंग सेशन में डिस्कशन किया था कि किस तरह से एक पॉइंट चार्ज का फ्लक्स हम एक क्लोज्ड सरफेस से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तीन केसेस हैं, हमें हर केस में एक हेमिस्फीयर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो इन फर्स्ट केस वी कैन सी दैट चार्ज इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस हेमिस्फीयर। अब इस जगह जब चार्ज रखा होगा ना, तो इट इज़ हाफ आउटसाइड हाफ इनसाइड, जैसा कि क्यूब के फेस पे रखा होता है। ये एक फेस ही तो है, ये हेमिस्फीयर है और ये उसका बेस है। तो फेस पे कहीं पे भी चार्ज रख दिया जाए तो इट इज़ हाफ इनसाइड, और जितना चार्ज इसके अंदर होगा उतने ही चार्ज की फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल रही होगी, इस तरह से, है ना। बाकी जो फील्ड लाइंस है वो तो नीचे चली गई होंगी, इस तरह से। तो इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास किया, क्योंकि आधा चार्ज आधी फील्ड लाइंस को ही पास करवा पाएगा। तो देखो, टोटल फील्ड लाइंस का हाफ, ये इसका फ्लक्स हो जाएगा, केस ए। अब दूसरे केस में चार्ज अंदर चला गया है। अब चार्ज अंदर चला गया है तो इसकी सभी फील्ड लाइंस इस स्फीयर को क्रॉस करेंगी ऑल, है ना। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट केस में क्या है, चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर ओपन फ्रॉम द बेस। लास्ट केस में बेस से ओपन है, ठीक है। तो अगेन, बेस से ओपन हो या क्लोज्ड हो, व्हाट्स द डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है भाई। यहाँ से अगर क्लोज होता तो भी इस बेस का फ्लक्स तो जीरो ही आता है हर हाल में। टेंजेंशियल फील्ड लाइंस बनती है ना यहाँ, तो बेस के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो फ्लक्स है वो आधा ऊपर से जा रहा है और आधा नीचे से पास कर रहा है। इसका मतलब इस जगह भी फ्लक्स की वैल्यू वही होगी, हाफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू। दिस इज हाफ फ्लक्स विच इज़ पासिंग थ्रू द हेमिस्फेयर। तो इन तीनों केसेस के फ्लक्स को इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। और आई होप जितने भी लोगों ने हमारा प्रीवियस सेशन अटेंड किया था, उन सभी लोगों को ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। तो चलो, अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गॉस लॉ। गॉस लॉ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, हर जगह ये पूछा जाता है। स्टेटमेंट इसका बहुत ही सिंपल है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसी पे बेस्ड है। और क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस है। दिस इज थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज्ड सरफेस में हमारे पास कुछ चार्जेस रखे हैं, क्यू वन, क्यू टू एंड क्यू थ्री। देखो, क्यू वन क्यू टू चार्ज तो सरफेस के बाहर है, अंदर है, और क्यू थ्री सरफेस के बाहर रखा है। अब इस केस में हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं, देखो कंडीशन ये है कि भाई इस थ्री डायमेंशनल सरफेस का इन सभी चार्जेस की वजह से फ्लक्स कितना होगा। तो देखो, इन सभी की वजह से जो फील्ड लाइंस होगी ना, वो शेप तो पता नहीं कैसी रहेगी, क्योंकि सबका एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि जो अंदर चार्ज रखा है ना, उसकी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर तो निकलेगी ही निकलेगी, है ना। यहाँ से इस तरह से कुछ फील्ड लाइंस बनी होंगी, तो
तो अंदर वाले सभी चार्जेस की फील्ड लाइंस इस सरफेस को तो क्रॉस करके बाहर ही आ रही है, मतलब चार्ज की वजह से कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर नहीं है Q1 Q2 की वजह से, वो सब बाहर ही है। अब अगर Q3 की बात करें तो Q3 की जो फील्ड लाइंस होगी ना, वो कुछ फील्ड लाइंस हो सकता है इसको कट करे इस तरह से। और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर से ये फील्ड एंटर करी, इधर से एग्जिट कर गई, मतलब कुछ भी हो जाए, एट एनी केस कुछ भी हो जाए, ये देखो यहाँ पर भी ऐसा ही है। मान लो कोई फील्ड लाइन इमेजिनरी बना रहा हूँ, वैसे फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये यहाँ से भी जा रही है, तो भी देखो एंटर हो रही है तो एग्जिट तो होना ही है। तो मतलब Q3 की वजह से इस सरफेस का कोई फ्लक्स हो ही नहीं सकता, मतलब इस थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा ना, इट इज़ ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड द सरफेस, क्योंकि बाहर का फ्लक्स तो जितना इसको कट करके अंदर आएगा उतना ही बाहर भी जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो अंदर ही रह जाए, है ना, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी फ्लक्स होगा दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनर चार्ज। तो हमने ये गॉस लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया है, देखो कि इस थ्री डायमेंशनल सरफेस का जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्साइलन नॉट, यहाँ पे एनक्लोज्ड चार्ज मतलब चार्ज इनसाइड द सरफेस, दिस इज टोटल फ्लक्स ऑफ थ्री डायमेंशनल सरफेस। और ये टोटल फ्लक्स अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से लिखना चाहें तो इस पूरी सरफेस के लिए हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए, मतलब किसी भी एलिमेंट का, ये मान लो हमने कंडीशन लिया, इसका ये एरिया वेक्टर है यहाँ पे, और इस जगह ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल इनके बीच का थीटा हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इस छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स निकालूंगा, फिर इस एलिमेंट का फ्लक्स निकालूंगा, और ऐसे करते करते पूरी थ्री डायमेंशनल सरफेस का फ्लक्स निकालूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। तो क्या हो गया, हमारे पास इस पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड से भी लिखा और चार्ज वाले मेथड से भी लिखा, और ये दोनों ही मेथड सेम फ्लक्स को बताएंगे, इसलिए हमने इनको इक्वेट कर दिया ई डॉट डी ए। अब वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गॉस लॉ, दिस शोज ऑन द राइट साइड नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ इनर चार्ज की वजह से ही होगा। लेकिन जो सबसे खास बात है ना, वो ये कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ई होता है, इट इज़ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, सभी चार्जेस की वजह से नेट फील्ड का हम फ्लक्स निकालते हैं यहाँ पर, सिर्फ इनर चार्ज की फील्ड को नहीं कैलकुलेट करते। मतलब ये हुआ कि गॉस लॉ से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेट फील्ड लिख सकते हैं, किसी इंडिविजुअल दो या तीन चार्ज का फील्ड नहीं लिख सकते। तो ये है नेट फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, एंड ये है हमारे पास एनक्लोज्ड चार्ज, मतलब चार्ज इनसाइड द सरफेस। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट गॉस लॉ, और इसका हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखो हर फील्ड को हम यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, रीज़न इज़ दिस कि हर जगह का ई डॉट डी ए, हर सरफेस का ई डॉट डी ए हम नहीं निकाल सकते हैं, इट इज़ बेसिकली नॉट आवर मैथमेटिकल डोमेन, ये हमारे मैथमेटिकल डोमेन में आता ही नहीं है। तो मैथमेटिकल डोमेन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि भाई कौन कौन सी कंडीशंस को हम निकाल सकते हैं, है ना। चलो
अब इस पे कुछ चीज़ें डिराइव करते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के करिकुलम के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वन बाय वन एक एक चीज़ को हम थरोली समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है। देखो, पहला इसमें हमारा एप्लीकेशन है कि हम एक कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। देखो, कंडक्टिंग स्फीयर की खास बात ये होती है कि उसका सारा चार्ज उसकी सरफेस पे होता है। तो अब हम इस ऐसे कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जिसका सारा चार्ज उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें हम कंडीशन क्या लगाएंगे, पहले एक गॉशियन सरफेस बना लेंगे। मान लो कि मुझे इसके अंदर एक आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट का। अब ऐसे आर डिस्टेंस के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना सेंटर से, उन सबको ज्वाइन कर दिया जाए तो इट बिकम्स ए स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो ऐसे स्फेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर विच पॉइंट आर इज लेस देन कैपिटल आर। ऐसी पोजीशन के लिए हम निकाल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि हमने जो सरफेस बनाई है वो सिमेट्रिकल है, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे स्फेयर है। तो ऐसी सरफेस के लिए ई कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बन जाएगा। और हमने जो सरफेस बनाई है ना, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो ज़ीरो। वाई ज़ीरो, क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस पे चला गया है और हम अंदर हैं, स्फीयर के अंदर हैं, तो वहाँ तो चार्ज है ही नहीं। तो यहाँ पर अब सिमेट्री सिटी की वजह से ई इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए, यहाँ पर मैंने डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा, वो समझाता हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो रेडियल डायरेक्शन में होगी ऐसी, और एरिया वेक्टर कैसा होगा, क्योंकि ये स्फेयर है तो वो भी रेडियल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन इधर आएगा, और दोनों के बीच का एंगल थीटा इज 0 डिग्री, और एंगल 0 डिग्री है इसलिए कॉस 0 इज 1, इसलिए मैंने वहाँ से थीटा हटा दिया। तो अब आप देख सकते हो ये नॉन ज़ीरो एरिया ऑफ द गॉशियन सरफेस, ये डी ए क्या होता है, दिस इज एरिया ऑफ गॉशियन सरफेस। अब गॉशियन सरफेस क्या होता है, तो भाई ये वो सरफेस है जिस सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दिस इज आवर गॉशियन सरफेस। इसे हम गॉशियन सरफेस बोलते हैं। तो क्या हो गया बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ज़ीरो, मतलब किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है क्योंकि वहाँ कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम गॉस लॉ लगाते हैं तो क्यू एनक्लोज्ड 0 आ जाता है। अब इसी चीज़ को हम बाहर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डिराइव करते हैं। ये हमारा स्फीयर, इसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज जो इसकी सरफेस तक पहुंच गया है, अंदर कुछ बचा नहीं है, एंड यहाँ अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हम डिराइव कर चुके हैं। अब हम यहाँ से बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये हमने डिस्टेंस मार्क कर ली स्मॉल आर, एंड दिस टाइम स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पे इस बार हमारे पास ये सिचुएशन है। तो देखो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी निकालनी है वो स्मॉल आर दूरी पे है, और ऐसे सभी पॉइंट्स को अगर हम मार्क कर लें, क्योंकि स्मॉल आर पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस बना लें तो इट बिकम्स अगेन स्फेयर, ये फिर से स्फेयर बन जाएगा, और इसी को हम गॉशियन सरफेस भी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा गॉशियन सरफेस भी हो गया। अब क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब देखो जरा हमारी गॉशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो जितना स्फीयर का चार्ज है ना वो सारा गॉशियन सरफेस के अंदर ही है, बाहर तो है नहीं, वो तो ब्लैक वाली सरफेस तो अंदर की साइड है। तो हम लिख सकते हैं क्यू पूरा इधर, एप्सिलॉन नॉट इधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि रेडियल आएगी और हमारा जो एलिमेंटल एरिया बनेगा वो भी रेडियली आउटवर्ड आएगा। तो ई डॉट डी ए में ये ई बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस 0 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन में ई डॉट डी ए में इंटीग्रेशन डी ए का मतलब हो गया एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस का एरिया, एंड दिस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि इसकी सरफेस का टोटल एरिया। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई हो गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। अब ज़रा यहाँ पे ग्राफ को ध्यान से देखो, अगर हम ग्राफ में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट किया है। तो देखो स्फीयर के अंदर अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देख रहे हैं तो स्फीयर के अंदर 0 से R रेडियस तक अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो इस सरफेस के साथ ही ओवरलैप्ड है, मतलब 0 है क्योंकि अंदर कोई फील्ड नहीं होती है। और जैसे ही हम R पे पहुँचे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R² हो गई, और फिर वो R बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ठीक है, ई और डिस्टेंस का कंडीशन है। और हमेशा याद रखने की बात यह है कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होती है, क्योंकि वहाँ चार्ज नहीं होता, और बाहर वो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² जैसी होती है। देखो KQ/R² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज KQ/डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये ग्राफ भी याद रखना है, NCERT में ग्राफ वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, हमें इसी तरह से पूरा प्रॉपर ग्राफ बना के बताना है, जहाँ पे आउटसाइड हमने ये फॉर्मूला लगाया है, इनसाइड हमने 0 वाला लगाया है, ठीक है। चलो एक डेरिवेशन और देख लेते हैं, दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दिस इज़ अगेन फ्रॉम NCERT। मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का ये यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है। इस लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली ऐसे बाहर निकल रही होगी। हमने इसके लाइन चार्ज के आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो इस लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर मैं उनका लोकस बनाऊंगा तो इट बिकम्स अ सिलेंडर। आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ना, तो इस सिलेंडर पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो दिस सिलेंडर इज नोन एज आर गॉशियन सरफेस। अब जैसा कि आप देख सकते हो एक लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रेडियल आएगा लाइन से अवे, और जो हमने गॉशियन सरफेस में स्मॉल एलिमेंट लिया उसका एरिया है डीए, वो भी आउट ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर। तो अब हम यहाँ यूज़ करें इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए इज इक्वल्स टू दिस टोटल एनक्लोज चार्ज ऑफ द गॉशियन सरफेस। देखो ये गॉशियन सरफेस का चार्ज है, ये गॉशियन सरफेस का एरिया है, गॉशियन सरफेस चार्ज मतलब अंदर का चार्ज, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये वो है, और ये एरिया ऑफ एलिमेंट जो हमने एलिमेंट लिया ये वो एरिया है। अब हम जानते हैं यहाँ पर एंगल दोनों के बीच में है 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0। हम हर बार ई को बाहर क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि लाइन चार्ज से सभी पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे है तो ई सेम ही आएगा।
क्यू इंक्लूज्ड, इंक्लूज्ड चार्ज को लिखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि लैम्डा इंटू एल कर दें। लैम्डा इंटू एल क्यों? कि लैम्डा इज़ द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, और जितना भी सिलेंडर की लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल एल दे रखा है तो दैट इज़ स्मॉल एल, और डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो गॉशियन सरफेस का एरिया, तो यहाँ पे गॉशियन सरफेस का वो एरिया लेना है जिससे फ्लक्स पास होता है, वो एरिया मत लेना कि तुमने टोटल एरिया लिख दिया कि कर्व सरफेस एरिया प्लस प्लेन एरिया, वो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है इस एरिया को? क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ से जो फील्ड आएगी ना वो ऐसी आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी आ जाएगी, जबकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ प्लेन सरफेस पे एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो हमें एरिया केवल उतना ही लेना है जिस एरिया से ये फ्लक्स पास कर रहा है। तो इंटीग्रेशन डी ए मतलब हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा एल से एल कैंसिल, तो ई की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा कि लाइन चार्ज से इनवर्सली वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो दिस ग्राफ इज लाइक दिस, ई यहाँ आर यहाँ, और जैसे जैसे हम लाइन चार्ज के पास जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, और दूर जाते 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 इट इज़ वेरी वीक। तो ये ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जैसा ग्राफ है, और इसका जो फॉर्मूला है इट इज़ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज़ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि आर बढ़ेगा ई कम होता जाएगा। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मैं आपको ज़रूर इसके रिगार्डिंग हेल्प करूँगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन, सी यू इन आवर नेक्स्ट लर्निंग सेशन विद मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। थैंक यू सो मच।